रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद न किए जाने की मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजियां भी की। इस मौके पर आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने रेलवे प्रिंटिंग प्रेस के बंद हो जाने के बाद रेलवे कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को गिनाया। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि रेलवे के शीर्ष कुर्सी पर बैठे कुछ लोग रेलवे प्रिंटिंग को बंद कराने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता, नवनीत कुमार मिश्र, ओमकार नाथ सिंह, रतन कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, भोला मिश्रा, अनवर हुसैन, सुबोध प्रसाद सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता ने कहा, ये आदेश अफवाह है। एनी रेलवे पर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सरकार बंद करने जा रही है, और उसी के विरोध में ये रैली है। उनको मेमोरेंडम सीएस को दिया गया एड्रेस टू रेल मिनिस्टर कि साहब इसको देखिए, कंपनी मैंने PNW कंपनी मैंने रेलवे से चल रहा है और ये इंडिया का सर्वोत्तम प्रेस है, लेकिन आज क्यों बंद किया जा रहा है? क्या कर ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तब कहा नहीं बंद नहीं किया जाएगा, उन्होंने यूँ किया, उस वक्त परिवर्तन किया गया, लेकिन ममता बनर्जी हट गया दूसरे आ गई, ये रेल मिनिस्टर ने भी कहा है कि बंद करने वाला हम बात करेंगे, बंद करने वाला बात करने पर बंद खाली कहते हैं करते नहीं, उल्टा ऑर्डर देते हैं, हमसे कुछ कहते हैं अंदर कुछ बोलते हैं, ऐसे हालत में दूसरी बात सरकार के नियम है बंद करो। ये रेलवे हमारा RPF फोर्स है, इसको कहा गृह मंत्री भी ले जाओ, ये बंद हो जाए, बंद हो जाए, पता ही सड़क पर दूर बैठ नहीं रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस चालू रहना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं हुआ चालू होना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चालू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, यही मांग।